अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आप देख रहे हैं आसिफ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसन। तो दोस्तों आज एक प्रोडक्ट लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है एलोजार। इसका ब्रांड नाम है एलोवेरा। असल में इसके अंदर होती है एलोवेरा से आप हर बंदा वाकिफ है। ये घरों में भी लगी हुई होती है, लगा सकते हैं और इससे बासानी जल निकाल भी सकते हैं। इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और इसके इस्तेमाल मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। कि अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपकी सपोर्ट होती है। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई बात रह ना जाए, और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। लाइक किया करें। इसको भी टुलिप कंपनी बना रही है, टुलिप हेल्थ केयर, ठीक है। ये भी बासानी और अच्छे फार्मेसी और अच्छे मेडिकल स्टोर से बासानी मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ कि ये काम क्या करता है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहले नंबर पर तो ये काम करता है बर्न, यानी कि जली हुई जगह पर और छोटे छोटे जो निशान होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और जलती हुई स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छी जेल होती है, और टांकों के निशानात उसको ख़त्म करने के लिए उन पर लगाएं तो ये निशानात भी ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों ये तो थे इसके इस्तेमाल, और इसको लगाने का तरीका यह है कि दिन में दो मरतबा पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको बारिश का मसला है, एलर्जी का मसला है, वो पूरी बॉडी पर भी लगा सकता है इसको। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 495 रुपये। तो अगर घर में बनाना है तो एलोवेरा जेली होती है, जेली को निकाल लें, ठीक है। यह एक्ने वगैरह को भी ख़त्म करती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, और ख़ासतौर पर जो स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं उनको ख़त्म तो नहीं करती, बराबर उसमें सुकून पैदा कर देगी, उसको मसला हल कर देगी, उसमें रुकावट पैदा कर देगी, जो बढ़ रहे हैं उनको रोक देगी। ये तो होते हैं इनके फायद में आ जाता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। हर बच्चा बड़ा को इस्तेमाल करा सकते हैं, तो इस पर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो एक आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है, कोई भी मेडिसिन है ना वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी। ये वीडियो मालूमती वीडियो होती है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी, बगैर डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल अगर इमरजेंसी की सूरत में, यानी कि कोई बंदा जल गया है, निशानात पड़ गए हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और टांकों के निशानों पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।